बच्चों आज हम आपको गाउस का नियम सिखाएंगे। गाउस का नियम। अब तक हम कूलाम का नियम पढ़ते आए हैं और उससे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, लेकिन कूलाम का नियम है ना किसी बिंदु आवेश के लिए तो सही रिजल्ट देता है, लेकिन सतत आवेश वितरण में उसकी प्रक्रिया जटिल हो जाती है। इसलिए जहां भी हमें सतत आवेश वितरण दे रखा हो ना, वहां हम गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। गाउस क्या कहते हैं कि आप विद्युत क्षेत्र में है ना कोई हमें बंद पृष्ठ दे दो। दे दिया सर। इसमें कितना भी आवेश है उसका योग बता दो हमें सर। बता दिया सर। तो इससे कितनी बल रेखाएं निकलेंगी या कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, गाउस कहते हैं मेरे सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। वो कहते हैं कि इस पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा, विद्युत फ्लक्स जिसको अपन फाई कहते हैं, ये किसके बराबर होगा, इस बंद पृष्ठ में स्थित कुल आवेश और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। जो इस बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा या बल रेखाएं निकलेंगी वो किसके बराबर होंगी, इस बंद पृष्ठ में स्थित कुल आवेश और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अगर आप माध्यम निर्वात लेते हो तो या निर्वात के लिए आप एप्साइलन नॉट लगा सकते। ये जो सिग्मा क्यू है ना, ये बंद पृष्ठ में जितने भी आवेश है, जैसे Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, Q3 नेगेटिव है, इन सब का योग है। ये जो फाई है, ये बंद पृष्ठ है ना, इसके आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये तो दो चीजों पे निर्भर करता है, इसके अंदर कितना आवेश है, कुल परिबद्ध आवेश कितना है, और इसके चारों ओर है ना माध्यम क्या। ये गाउस नामक वैज्ञानिक ने बताया। अब हम गाउस के नियम की सहायता से सतत वितरण के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। वो कहते हैं कि आपने फाई एक डेफिनेशन से पढ़ी है कि बंद पृष्ठ एस ई सदिश डॉट डेल एस सदिश, ये बंद पृष्ठ के आधार पर किसी बंद पृष्ठ द्वारा निर्गत फ्लक्स का मान है, ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से है। दूसरा कहता है मेरा नियम ये है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को कहता है बराबर कर दो, बंद पृष्ठ ई सदिश डॉट डेल एस बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इस समीकरण से है ना आप ई का मान ज्ञात कर सकते। वो कहता है कि ये जो ई है ना, इसको ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले जो अपन आवेश वितरण है उसके सम्मित एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा, जिसको हम गाउसीय पृष्ठ भी कह सकते हैं। उस बंद पृष्ठ पर ई का मान सब जगह क्या रहता है, समान। दूसरी बात, E और डेल एस के बीच है ना जो एंगल है, या तो थीटा बराबर जीरो हो सकता है या थीटा बराबर क्या हो सकता है 90 डिग्री, इनके अलावा कोई तीसरा एंगल नहीं होता। अब हम इस समीकरण के आधार पर कुछ अनुप्रयोग आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहली बात है सर, अनंत विस्तार का रेखीय आवेश, या मैं यूं भी कह सकता हूं आवेशित तार, अनंत विस्तार का रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि हम सर आवेश वितरण किस पर मानेंगे, एक रेखा पर मानेंगे। जैसे कोई तार है हम उसको आवेश देते हैं, लेकिन ये कैसा है, अनंत लंबाई का है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी। जैसे हमने कोई सर ये एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश ले लिया,
इस पर आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है। अभी मैंने रेखीय आवेश घनत्व आपको सिखाया था, कूलाम प्रति मीटर है। ये सच में अनंत, डॉट डॉट का मतलब है अनंत विस्तार, ये उसका केवल एक भाग है एबी, ये अनंत विस्तार। इससे हम कितनी दूरी पे निकालना चाहते हैं? आर दूरी पर। ये लंबवत दूरी है, कौन से बिंदु पर? पी बिंदु पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। इसको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहली बात क्या है? ई की दिशा ज्ञात करना। ई की दिशा बिना ये थीटा का हल कैसे होगा सर? तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? ई की दिशा ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम ओ बिंदु है ना, इससे बराबर दूरी पर दो है ना समान लंबाई, ये डेल्टा एल छोटी सी लंबाई है, के अल्पांश ए वन और क्या लेते हैं? ए टू। ये दूरी बराबर है, ये अल्पांश भी बराबर है। इनके कारण हम पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते। ये A1 यहाँ पर ये पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव से दिशा बाहर की ओर जाती है, तो इसके कारण E की दिशा इधर आएगी। देखो इसके कारण E की दिशा इधर आएगी, देखो ये भी DE है, ये एंगल माना थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। देखो अब चूंकि ये जो लंबाई समान है तो इसमें आवेश का परिमाण भी समान होगा, क्योंकि सूत्र है ना E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये जो दूरी है ये दोनों में समान है। K कांस्टेंट है, Q क्या है? अल्पांश में स्थित आवेश यहां पर, तो ये अल्पांश समान लंबाई का है तो आवेश भी समान होगा, देन ये सारी वैल्यू समान होंगी इसके लिए भी और इसके लिए। इसलिए यहां पर जो E है ना ये बेटा समान मान का पैदा है, परंतु दिशा अलग है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। अब हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं, कैसे जोड़े? सर ये तो एक दिशा में भी नहीं है, विपरीत भी नहीं है, ऐसी स्थिति में हम इसको OP रेखा है ना इसके अनुदिश दो घटकों में तोड़ देते हैं। ये थीटा है, ये थीटा है, तो इधर जो घटक बनेगा वो DE cos थीटा बनेगा, इधर जो बनेगा वो क्या बनेगा? DE sin थीटा। ऐसे ही इसका इधर जो बनेगा वो क्या बनेगा? DE cos थीटा, और इधर बनेगा वो क्या बनेगा? DE sin थीटा। अब ये घटक तो चूंकि कैंसिल हो जाएंगे, बराबर विपरीत और संरेखित है, और ये घटक क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ये घटक ही यहां पर तीव्रता पैदा करेंगे, जिसकी दिशा किधर होगी? ओपी दिशा। अगर हम ऐसे ही और अल्पांशों का युग्म माने एस, तो सबके साइन घटक निरस्त हो जाएंगे और कॉस घटक जुड़ जाएंगे। तो मैं यूं कह सकता हूं, अगर हम पूरे इस रेखीय आवेश की बात करें तो पूरे रेखीय आवेश के कारण तीव्रता है ना केवल कॉस घटकों के योग के बराबर होगी, और ये दिशा सदैव किधर होगी? ओपी दिशा में, या रेखीय आवेश के लंबवत। हम इसको एक वर्ड और भी बोल सकते हैं कि ये जो रेखीय आवेश है ना इसकी त्रिज होती है। कैसे होती है? त्रिज। तो इस प्रकार से हम दिशा का मान ज्ञात कर लेंगे, जो किधर आएगी? ओपी दिशा में, या रेखीय आवेश के लंबवत या त्रिज। अब दूसरी बात है ई का परिमाण, कितना मान का ई पैदा होगा उसका आंकिक मान। इसके लिए है ना हमें बच्चों एक और चित्र बनाना पड़ेगा। कैसे? देखो ये हमारा वही रेखीय आवेश है। अब इस आवेश वितरण के सममित हमें गाउसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये रेखीय आवेश है, तो अगर हम इसके सममित कोई बात करेंगे तो इसके सममित आकार बेलन बनेगा। तो मैं इसके संगत एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करता हूं। देखो ये एक बच्चों में बेलन बना रहा हूं, ये जो रेखीय आवेश है ना ये बेलन के अक्ष के संपाती है, बेलन के अक्ष के क्या है? संपाती है। इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? आर है।
शर्त ये है कि जो जहां पर भी ज्ञात करोगे ना वो बेलन के किसी पृष्ठ पर स्थित होना चाहिए वो बिंदु। मैं इस P बिंदु पर ज्ञात करना चाहता हूं, ये O से दूरी कितनी है, R है, देन OP बराबर R, मैं यहां ज्ञात करना चाहता हूं। इस बेलन को है ना, ये L इसकी लंबाई है सर, L लंबाई R त्रिज्या के एक बेलन की कल्पना करते हैं जो जिसका अक्ष है ना रेखीय आवेश के संपातित है। अब हम इसको तीन फलकों में विभक्त करते हैं। ये जो वक्राकार फलक का ये S1 है, यहाँ E सदैव तल के लंबवत होती है, और ये जो अल्पांश है ये भी त्रिज्य होगा, देन थीटा बराबर 0 डिग्री होगी। अब मैं यहाँ ये दूसरा पृष्ठ लेता हूँ, ये S2 है, E तो इसके इधर ही होगी, डेल्टा S इधर होगी, तल के लंबवत होगी, देन ये 90। ये बेटा यूं है, ये तल देखो यूं, ये ऐसे यूं, तो इसके लंबवत यूं होगी, ऐसे ये इधर वाला है तो इसके लंबवत इधर जाएगी। देखो बच्चों, तो मैं अब यहां पर लेता हूं, ये ई तो सदैव इधर ही रहेगी, ये डेल्टा एस इधर होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये कौन सा है, S3। अब मैं इसके लिए एक बार कौन सा सूत्र लगाऊंगा, ये लगाऊंगा सर परिभाषा वाला, एक बार कौन सा लगाऊंगा, गाउस के नियम वाला। सर देखो, मैं सबसे पहले कौन सा लगा रहा हूं, इस बंद पृष्ठ या गाउसी पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, देन फाई बराबर सूत्र होता है बंद पृष्ठ एस ई सदिश डॉट डेल एस सदिश। इसको तीन फलकों में विभक्त कर सकता हूं। देखो चित्र में तीन फलक मैंने दिखाई हैं आपको, दो वृत्तीय हैं और एक कौन सी है बच्चों, वक्राकार है, तीन में बांटती है। अब इनके एंगल्स देख लो, डॉट को खोलोगे ना तो कॉस थीटा आएगा, ये हमने सिखाया आपको अदिश गुणनफल। अब ये S1 पृष्ठ के लिए थीटा 0 दिख रहा है तो मैं इसको सीधा 0 डिग्री लिख दूं, प्लस S2 ई डेल एस, ये मुझे 90 दिखाई दे रहा है चित्र में, प्लस S3 ई डेल एस कॉस 90 डिग्री। ये 90 तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है बेटा, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, देन बराबर S1 ई डेल एस, यहाँ 1 लिख दो, ई तो समान रहेगा गाउसी पृष्ठ पर, मैंने बोला है सर। अब ये तो छोटा सा अल्पांश है, इसका समाकलन करोगे तो इस पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग हो जाएगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr, और जो लंबाई होती है L। ये सर फाई आ गया विद्युत फ्लक्स के डेफिनेशन से। दूसरी बात, अब हम किसका लगाएंगे, गाउस का नियम। अब हमारे पास ये सिग्मा क्यू भी कह सकते हो या केवल क्यू भी कह सकते हो, अब सिग्मा क्यू तो है ही नहीं, लेकिन हमारे पास लैम्डा दे रखा है। अब हमने एक सूत्र पढ़ा है, लैम्डा बराबर आवेश अपॉन लंबाई, ये लंबाई है, आवेश को हम चाहे क्यू माने चाहे सिग्मा क्यू माने, तिरछा गुणा करो, सिग्मा क्यू बराबर लैम्डा एल, यहां रख दो सर, लैम्डा एल अपॉन एप्साइलन नॉट, ये सेकंड बात होगी। अब बराबर कर दो, इक्वेटिंग 1 एंड 2, देन ई इंटू 2πrL बराबर लेमडा एल अपॉन एप्साइलन नॉट, एल से एल कट गया, ई बराबर लेमडा अपॉन 2πεr, यहां तक भी रुक सकते, और सरल वे में लिखना चाहो तो मैं 2 से ऊपर गुणा करूंगा और 2 से नीचे गुणा कर रहा हूं, देखो तो 2 से करूंगा तो ये तो के बन गया बेटा, 1 अपॉन k, 1 अपॉन 4πεr, तो मैं लिख सकता हूं 2 इसकी जगह 1 अपॉन 4πεr की जगह के लिख दूंगा, देन होगा 2k λr। दिशा किधर है, अभी मैंने बताया ओपी दिशा में, या यूं कह सकता हूं रेखीय आवेश के लंबवत। देखो बेटा, मैं इससे यूं भी लिख सकता हूं ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r, जब ये R और E है ना एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, रेसिप्रोकल हैं, तो हम इनके लिए ग्राफ खींचेंगे, ये R आएगी, ये यहाँ E आएगी, ये घटती है, देन रेखीय आवेश से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे ना बच्चों, वैसे वैसे है ना E का मान घटता चला जाएगा सर।
ये रेखीय आवेश के कारण e का परिमाण आया है 2k लैम्डा अपॉन r, और दूरी किधर आई है, इस रेखीय आवेश के तल के लंबवत।